हेलो दोस्तों, नमस्कार। नोट्स फॉर नर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमा के सॉल्यूशन। कौन कौन से सॉल्यूशन यूज में लेते हैं एनिमा में? फर्स्ट है सिंपल इवेक्वेंट। एनिमा में हम कौन कौन से सॉल्यूशन यूज में लेते हैं? सिंपल इवेक्वेंट एनिमा में हम सोप, जेली, 50 ml सोप जेली लेते हैं, प्लस 1 लीटर वाटर। सोप जेली में फिर नॉर्मल सेलाइन भी हम यूज में ले सकते हैं। नॉर्मल सेलाइन में 1 टीस्पून NaCl प्लस 500 ml वाटर। तीसरा, हम टैप वाटर भी यूज में कर सकते हैं, सिंपल वाटर जो 500 ml। ये हो गया सिंपल इवेक्वेशन इवेक्वेंट एनिमा का सॉल्यूशन। दूसरा है ऑयल एनिमा का सॉल्यूशन। ऑयल एनिमा का सॉल्यूशन हम कैस्टर ऑयल, मतलब जैतून का तेल यूज में ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल जैतून का तेल नहीं होता, अरंडी का तेल होता है। अरंडी का तेल और ओलिव ऑयल होता है जैतून। तो इसमें हम कैस्टर ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल भी यूज में ले सकते हैं। एक अनुपात 2 के रेशियो में फिर स्वीट स्वीट जिंजरली ऑयल भी हम यूज में। इसका अमाउंट 115 से 175 ml होता है और टेम्परेचर 100°F। इम्पोर्टेंट है, अमाउंट पूछ सकते हैं ऑयल एनिमा में अमाउंट कितना होता है, 115 से 175 ml और टेम्परेचर 100°F। फिर बात करते हैं हम परगेटिव एनिमा की। परगेटिव एनिमा काम होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को एक्टिव करवाना या इंड्यूस करवाना। इसमें हम एक तो प्योर ग्लिसरीन दे सकते हैं या फिर प्योर ग्लिसरीन प्लस वाटर। इनका रेशियो 1:2, मतलब अगर 50 ml हम ग्लिसरीन लेंगे तो 100 ml हम वाटर लेंगे। तीसरा होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। MgSO4 60 से 120 ml तक हम यूज में ले सकते हैं। फिर चौथा होता है एक MgSO4 प्लस ग्लिसरीन
प्लस वाटर, इन तीनों को कंटेंट हम यूज ले सकते हैं। इनका रेशियो होता है 1:2:3। जैसे 30 ml हम MgSO4 लेंगे तो 60 ml ग्लिसरीन लेंगे और 90 ml वाटर लेंगे। पांचवा है ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल 1:1 के रेशियो में, ठीक है। फिर बात करते हैं एंथेलमेंथिक एनिमा। इसमें हम यूज करते हैं इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया। क्वासिया एक पेड़ है, क्वासिया के इन्फ्यूजन को यूज में लेते हैं, जिसमें 15 ग्राम हम क्वासिया डालते हैं, 600 ml वाटर डालते हैं। या हाइपरटोनिक सेलाइन, जो कि 6% हाइपरटोनिक होना चाहिए, वो हम एंथेलमिक एनिमा में यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्बोनेटिव एनिमा की। कार्बोनेटिव एनिमा में हम एक एंटी स्पास्मोडिक एनिमा, इसमें टिंचर ऑफ टर्पीन टर्पेंटीन, जो कि 6 से 18 ml होना चाहिए, प्लस 600 से 1200 ml सोप सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर होता है टिंचर ऑफ असाफोइटिडा, ये 6 से 18 ml होना चाहिए और इसमें 600 से 1200 ml सॉप सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और एक और हम यूज में ले सकते हैं मिल्क प्लस मोलासेस 90 से 230 ml, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एस्ट्रिंजेंट एनिमा की। एस्ट्रिंजेंट एनिमा में हम टेनिक एसिड यूज में ले सकते हैं, एलम और सिल्वर नाइट्रेट। टेनिक एसिड 2 ग्राम लेते हैं, 600 ml वाटर लेते हैं, एलम 30 ग्राम लेते हैं, एलम मीन्स फिटकड़ी, और 600 ml वाटर लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट 2% लेते हैं। कोल्ड और आइस एनिमा में वाटर लेते हैं खाली, वो भी 80 से 90 °F तक। फिर बात करते हैं स्टिमुलेट एनिमा की। स्टिमुलेंट एनिमा में हम ब्लैक कॉफी यूज में लेते हैं, ब्लैक कॉफी 1 tablespoon प्लस 300 ml वाटर, और एक ब्रेंडी यूज में लेते हैं हम 30 ml ब्रेंडी प्लस 120 से 180 ml ग्लूकोज सेलाइन वाटर। ग्लूकोज सेलाइन सॉल्यूशन या वाटर। और ये इंपॉर्टेंट है स्टिमुलेट एनिमा, ओपियम पॉइजनिंग में यूज लेते हैं। ओपियम पॉइजनिंग हो रखी है तो स्टिमुलेट एनिमा यूज में लेते हैं।
फिर बात करते हैं इमोलियंट एनिमा की। इमोलियंट एनिमा में हम यूज में लेते हैं स्टार्च, म्यूसिलेज, ओपियम। ओपियम 102 ml लेते हैं। इमोलियंट इमोलियंट एनिमा सूतनी इफेक्ट के वजह, ठीक है। और डायरिया को रोकने के लिए भी इमोलियंट एनिमा का यूज में लेते हैं हम, तो इसमें ओपियम ऐड करते हैं। फिर आता है सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा में क्लोरल हाइड्रेट, पैराएल्डिहाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड ये हम यूज में लेते हैं सेडेटिव। फिर बात करते हैं एनास्थेटिक एनिमा की। एनास्थेटिक एनिमा में हम यूज में लेते हैं एवर्टी, डेढ़ सौ से 300 ml। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट एनिमा की। न्यूट्रिएंट एनिमा में हम ग्लूकोज सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन, पेप्टोनाइज्ड मिल्क ये यूज में लेते हैं। पेप्टोनाइज्ड मिल्क मींस फैट फ्री मिल्क। फिर बात करते हैं हम बेरियम एनिमा की। इसमें हम बेरियम सॉल्यूशन लेते हैं, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट यूज में लेते हैं। 2 से 3 पिंट तक यूज में ले सकते हैं। एक पिंट बराबर क्वेश्चन आ रखा है, एक पिंट बराबर 500 ml। इम्पोर्टेंट ये तक, एक पिंट बराबर 500 ml क्वेश्चन आ रखा है। फिर बात करते हैं केक्सिलेट एनिमा की। केक्सिलेट एनिमा या हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं। इसमें 50 ग्राम रेजिन मिलाते हैं, रेजिन को हम कह सकते हैं सोडियम पॉलिस्टर, पॉलिस्ट्रीन, सल्फेट। फिर हम 50 ml इसमें सोर्बिटॉल मिलाते हैं और 150 ml इसमें वाटर मिलाते हैं, और जो ये सॉल्यूशन कंटेंट होता है उसको केक्सिलेट एनिमा कहते हैं। ये एम्स रायपुर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एनिमा, एनिमा का क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एक अगर कार्डियक और किडनी डिजीज हो रखी है तो हम एनिमा नहीं देते हैं। किडनी डिजीज है तो एनिमा नहीं देते हैं। अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रखा है या उसको ग्लूकोमा हो रखा है तो भी हम नहीं देते हैं। या पेशेंट अपेंडिसाइटिस से, बहुत मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट, अपेंडिस आइटिस या परफोरेशन
ऑफ बोवल है। दोनों ही कंडीशन में नहीं देते हैं, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बार बार एग्जाम में आ रखा है, पता नहीं कितनी बार आ रखा है कि एनीमा किस किस कंडीशन में, किस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसमें ऑप्शन में देते हैं अपेंडिसाइटिस या परपोरेशन ऑफ बोवल, बोवल परपोरेशन, ठीक है। और एक रहता है रिसेंट रेक्टल सर्जरी हो रखी हो जिसकी, या प्रोस्टेट सर्जरी हो रखी हो, उसमें हम एनिमा नहीं देते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज आपका एनिमा कंप्लीट हो गया है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा नर्सिंग प्रोसेस, जितनी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।